कानपुर पुलिस का नकारापन एक बार फिर सामने आया है। दरअसल बिकरू कांड के फरार वांछित इनामी अपराधी एक के बाद एक कोर्ट में सरेंडर करते जा रहे हैं, लेकिन कानपुर पुलिस और एसटीएफ उनको पकड़ ही नहीं पा रही है। एक बार फिर दो इनामी आरोपियों ने वकीलों के कपड़े पहनकर आराम से कोर्ट में सरेंडर कर दिया और एसटीएफ देखती रही। दरअसल सरेंडर करने वालों में 1,00,000 रुपए के इनामी विष्णुपाल और 50,000 रुपए के इनामी शिवम दुबे है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 31 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले धर्मेंद्र उर्फ धीरू पंडित ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, वो भी वकीलों के कपड़े में। लेकिन जैसे ही एसटीएफ को धर्मेंद्र के आने की भनक लगी, एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम कोर्ट में पहुंच गई और उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वकीलों ने उसको पकड़ने नहीं दिया और हंगामा हुआ। वकीलों ने इसकी शिकायत जज से भी की। जज ने प्रभारियों को बुलाकर हड़काया और साफ चेतावनी दी थी कि अगर आगे ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। और इसके बाद अब चोबापुर थाना क्षेत्र के दोनों आरोपी शिवम दुबे पुत्र बाल गोविंद और सुज्जा निवादा निवासी विष्णुपाल पुत्र देवी प्रसाद ने विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को इसकी कोई भनक नहीं पड़ी। दरअसल पुलिस को धोखा देने के लिए दोनों आरोपियों ने वकीलों की ड्रेस पहन रखी थी। अब पुलिस एडीजी प्रशांत कुमार कहते हैं कि न्यायालय में समर्पण करने के बाद विशेष न्यायाधीश रामकिशोर ने दोनों को 31 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। विष्णुपाल पर 1,00,000 और शिवम पर 50,000 रुपए का इनाम था और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। सरेंडर के दौरान जहां कोर्ट में एंट्री के दौरान शिवम ने काले पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी, वहीं विष्णुपाल ने सफेद शर्ट और सफेद पैंट पहन रखी थी। वकीलों जैसे कपड़े पहनने की वजह से एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम उनको नहीं पहचान पाई और दोनों आरोपी आराम से कोर्ट के अंदर चले आई और सरेंडर कर दिया। जाहिर है यूपी एसटीएफ और क्राइम ब्रांच को थोड़ा एक्टिव होने की जरूरत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।